एनसीएल फार्मासिस्ट की एक्सपेक्टेड कट ऑफ जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक। स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपकी यूट्यूब चैनल एग्जाम पैरा पर। मैं डीआरएक्स रॉबिन सिंह फार्मासिस्ट आपके लिए लेकर के आया हूँ एक्सपेक्टेड कट ऑफ ऑफ एनसीएल फार्मासिस्ट, ठीक है, जो नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड फार्मासिस्ट का पेपर जो अभी हुआ है 8 नवम्बर को, उसकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, जो हम लोग सोच सकते हैं कि कितने से कितने नंबर के बीच में कट ऑफ जानी चाहिए, ये वीडियो उसी के लिए है। और आप लोगों की हाईली डिमांड पर मैंने ये वीडियो बनाया है। और चूंकि पेपर का लेवल इतना अच्छा था, उसको देखते हुए ये कट ऑफ मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपके लिए, आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। और आप लोग चेक करिए कि आप लोगों का इसमें कितने से कितने नंबर के बीच में बन रहा है, या जो मैं कट ऑफ आपको बताने वाला हूँ उस कट ऑफ के बीच में अगर आपका स्कोर रहता है +5 नंबर आप आगे पीछे कर सकते हैं, +5 नंबर आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, अगर आपका इसके बीच में आ रहा है तो आप सेफ जोन में हैं और आपका सिलेक्शन पक्का मान करके चलिए आप लोग, ठीक है। देखिए पेपर का जो लेवल था एनसीएल फार्मासिस्ट 2020 जो 8 नवंबर को हुआ है, पेपर का लेवल बहुत ही अच्छा था, ठीक है। ये जो पेपर का लेवल था इजी नहीं था, ठीक है, मॉडरेट नहीं था, हाई नहीं था, ठीक है, ये था मॉडरेट टू हाई। इजी के जो इजी क्वेश्चन हैं, इजी क्वेश्चन मेरे हिसाब से इसमें 2 से 4 रहे होंगे जो इजी क्वेश्चन है, ठीक है। और जो मॉडरेट क्वेश्चन है, मॉडरेट क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा रही है, ठीक है, मॉडरेट क्वेश्चन की जो संख्या है वो ज़्यादा रही है, वो 10 से 20 क्वेश्चन के समथिंग, जो टेक्निकली थे 70 क्वेश्चन उसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो 70 क्वेश्चन टेक्निकली थे उनकी मैं बात कर रहा हूँ, उनमें से 20 क्वेश्चन के समथिंग, 20 to 30 क्वेश्चन के समथिंग ये मॉडरेट लेवल के थे, ठीक है। और हार्ड जो क्वेश्चन थे वो 30 क्वेश्चन के समथिंग हार्ड क्वेश्चन थे, 30+ जो है क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल के थे। तो पेपर का जो लेवल था उसको देखते हुए मैंने कट ऑफ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ को आप सबके लिए लेकर के आया हूँ, और आप लोग देखिए और बताइए। देखिए पहली बात तो ये आप लोग ये समझ लीजिए कि जो एनसीएल फार्मासिस्ट की क्वालिफ़िकेशन थी कि आपको कितने नंबर लाने पे आप क्वालिफाइड होंगे, पहले आप लोग ये देख लीजिए क्वालिफाइंग मार्क्स क्या थे। देखिए क्वालिफाइंग मार्क्स में क्या था कि जनरल जो थे और ईडब्ल्यूएस जो थे वो जब 50 नंबर ले आएंगे ओवरऑल इस पेपर में, तब वो पास माने जाएंगे, क्या हुआ, तब वो पास माने जाएंगे, ठीक है। और ओबीसी, एससी, एसटी, ईएसएम, पीडब्ल्यूबीडी ये जब 45 नंबर ले आएंगे, ठीक है, जो पेपर आप देकर के आए, अगर इस पेपर में आप लोग 45 नंबर ये लोग ले आते हैं ओबीसी वगैरह, एससी, एसटी, ईएसएम, पीडब्ल्यूबीडी, तो अगर आप ये 45 नंबर लाते हैं तो आप पास मान लिए जाएंगे, ठीक है, लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपने इनकी जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं उनको पास किया, यानी इन्होंने जो पासिंग मार्क रखे हैं जनरल के लिए है 50% 100 में से, और ओबीसी के लिए है 45%, ठीक, ओबीसी, एससी, एसटी सभी के लिए। तो जब आप ये जो 50 नंबर और 45 नंबर के ऊपर जाएंगे तब आप पास माने जाएंगे, ठीक है, यानी 50 नंबर पे आप क्वालिफाई करेंगे पेपर को, लेकिन फाइनल कट ऑफ में पहुंचने के लिए आपको आपके जो ये नंबर हैं इनकी मेरिट वाइज जो लोग अपना उठाएंगे, जिनकी ज़्यादा नंबर बनेंगे उनको ये लोग लेंगे। तो देखिए इसका जो पेपर का लेवल था वो बहुत ही बढ़िया था, उसको देखते हुए जो मैंने कट ऑफ एक्सपेक्टेड बनाई है वो ये है, ज़्यादा मैं देर करता नहीं हूँ आप लोगों के लिए। देखिए ये जो मैंने बनाया है ये है जनरल ईडब्ल्यूएस, इसमें क्या है कि 60 से 65 नंबर, यानी 60 to 65 आप इसमें प्लस माइनस कर सकते हैं, आप इसमें प्लस माइनस 5 नंबर कर सकते हैं, ठीक है, यानी 60 में आप प्लस माइनस 5 करेंगे तो यानी 65 से, और 65 में प्लस करेंगे तो 70 हो जाएंगे, ठीक है, और 60 में माइनस 5 करेंगे तो 55 आ जाएंगे, और 65 में माइनस 5 करेंगे तो 60 आ जाएंगे। ये मतलब 60 से 65 के बीच में जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए जानी चाहिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ, ठीक है। और ओबीसी की अगर हम लोग बात करें तो अपने ओबीसी बंधुओं की, तो ओबीसी में जो कट ऑफ जानी चाहिए वो जानी चाहिए 55 से 62 नंबर के बीच में, ठीक है, लेकिन इसमें भी आप प्लस माइनस 5 नंबर कर लीजिए, यानी 55 में प्लस 5 करके और 62 में प्लस 5 कर लीजिए, यानी 55 + 5 = 60 से लेकर के 67, ठीक है, हाईएस्ट जाएगा, मैक्सिमम अगर जाएगा तो, ठीक है। और अगर कम से कम देखें तो 55 में से 5 कम कर दीजिए, यानी 50 से लेकर के और 62 में से 5 आपका कर दें, यानी 57 नंबर तक जानी चाहिए, ठीक है।
फिर पढ़ेंगे हम लोग SC ST SM PWBD, तो इनकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जानी चाहिए वो जानी चाहिए 55 से 60 नंबर के बीच में। यानी अगर आपका स्कोर इतने जनरल का स्कोर अगर 60 से 65 के बीच में है तो आप सेफ जोन में हैं। ठीक, सीधे सीधे आप ये समझिए कि अगर आपका स्कोर 60 से 65 के बीच में है तो आप सेफ जोन में हैं। ठीक, अगर OBC का स्कोर 55 से 62 नंबर के बीच में है तब भी आप सेफ जोन में हैं। ठीक है, और SC ST का आपने देख लिया है कि 55 से 60 नंबर जब आएंगे तब ये लोग सेफ जोन में माने जाएंगे। ठीक है, क्योंकि कंपटीशन बहुत है, सीटें कम हैं, सीटें ओवरऑल 6 हैं। ठीक है, तो इसमें OBC की तो एक ही सीट है, OBC NCL एक ही सीट है, तो बहुत ही ज़्यादा इसमें फ़ाइट आपको देखने के लिए मिलेगी। अगर मैं कहता हूँ कि ये 6 गुना लड़के भी बुलाते हैं, तो यानी अगर 6 का 6 गुना कर दिया जाए तो ये छचरंग 36 बनता है जाकर के। ठीक है, कितना बनता है छचरंग 36, बहुत ज़्यादा 36 लड़के बुलाएंगे, लेकिन इतना बुलाएंगे नहीं ये। तो इसमें काफ़ी आपको कॉम्पिटिशन देखने के लिए मिलेगा। और एक बात और है कि इसमें क्या है, तीन तरीके की लिस्टें बनेंगी। पहली लिस्ट कौन सी बनेगी, दूसरी लिस्ट कौन सी बनेगी और तीसरी लिस्ट कौन सी बनेगी, ये भी आप लोग जान लीजिए। देखिए, पहली लिस्ट में क्या आएगा, पहली लिस्ट में आएगा जाकर के क्वालिफाइड या डिसक्वालीफाइड। ठीक, पहली लिस्ट में आएगा आपने क्वालिफाइड किया है या आपने डिसक्वालीफाइड किया, यानी जो आपका मिनिमम कट ऑफ था। ठीक, मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स थे, अगर आपने क्वालिफाइड कर लिया है तो आपके जो रिज़ल्ट है उसमें लिख करके आएगा क्वालिफाइड, और अगर आपने उसको नहीं क्वालिफाई किया है तो आपके रिज़ल्ट में लिख करके आएगा नॉट क्वालिफाइड। दूसरी जो लिस्ट है उसमें क्या आएगा, आपका आएगा वेट लिस्टेड। ठीक, क्या आएगा, वेट लिस्टेड, यानी आप वेट लिस्ट में चले जाएंगे। आपने कट ऑफ पार तो किया है, ठीक, लेकिन जो उसकी मैक्सिमम रेंज है, जैसे 45 नंबर कट ऑफ है, आपके 50 नंबर है। ठीक, और मैक्सिमम रेंज जो इन लोगों ने उठाई है कट ऑफ की, उन्होंने ले लिया, हम कहते हैं 57 नंबर या 60 नंबर, तो 60 नंबर वाले को ये लोग पहले प्रायोरिटी देंगे। ठीक, आपके 55 नंबर है, आपको बाद में प्रायोरिटी मिलेगी, तो यानी आपको ये वेटिंग में डालेंगे। ठीक, और जो एक तीसरी लिस्ट बनती है वो लिस्ट बनती है शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट की, यानी जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड हो जाएंगे, यानी जो सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक, तो ये तीन लिस्टें आएंगी। अब आप लोगों को ये देखना है कि आपका जो नाम है वो किस लिस्ट में आता है। ठीक है, तो दोस्तों हमारा जो ये वीडियो था कट ऑफ का, ये बस इतना ही था। आप हमें कमेंट करके बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपके नंबर कितने बन रहे हैं। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। हमारे चैनल एग्ज़ाम पैरो को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। आपका एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमारा हौसला बढ़ाता है, जिससे हम आपके लिए नए नए वीडियो और उसके जो आपकी फार्मेसी से रिलेटेड कंटेंट हैं या जॉब्स हैं उसमें हम लोग ज़्यादा मेहनत करते हैं, क्योंकि आपका वीडियो और लाइक हमको आत्मबल देता है। तो इसी आशा के साथ आप सभी को धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच।